हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन सो माय डियर क्लास नाइन्थ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स आपकी वो कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 कोड को शुरुआत हम कर चुके हैं जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वन कंप्यूटर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ये स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के कंप्यूटर्स हो सकते हैं किन कैटेगरी के, के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हो कैसे बेसिकली कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया जा सकता है राइट right, सो so बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होनी है आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बने

वो है कंप्यूटर्स लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन स्मार्ट डिवाइसेस, राइट सो कंप्यूटर्स फील्ड में यूज किया जा रहा है ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे आप कंप्यूटर्स या स्मार्ट डिवाइसेस का यूज नहीं देखोगे बिजनेस फील्ड में एजुकेशन फील्ड में एंटरटेनमेंट फील्ड में गवर्नमेंट फील्ड में मेडिकल फील्ड में हर एक फील्ड में आप कंप्यूटर का यूज देख रहे हो सो so, ये क्या है एक ऐसा डिवाइस है जो कि वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है ये कैपेबिलिटी रखता है 10 मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेक इट पॉसिबल टू परफॉर्म अ ह्यूज वैरायटी ऑफ टास्क सो ये सारे ह्यूज वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स की जरूरत होती है कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज इन फॉलोइंग वेज तो आप कंप्यूटर को यहाँ पे डिफरेंट वे में कैटेगराइज कर सकते हो क्लासीफाई कर सकते हो जैसे हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में पर्पज वाइज कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं ऑपरेशन वाइज कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं और कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो सो पर्पज और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे लेकिन कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, आपको दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो सके राइट सो चलिए शुरू कर लेते हैं परपज वाइज कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं परपज वाइज मतलब लोग जिस तरीके से कंप्यूटर को यूज करते हैं जिस purpose से यूज करते हैं सो so, कुछ लोग जनरल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को यूज करते हैं कुछ स्पेशल के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं राइट right? सो so, बस यही दो पर्प वाइज कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशल कंप्यूटर्स एंड जनरल कंप्यूटर्स अब स्पेशल कंप्यूटर्स क्या हुए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है आपको जो किसी स्पेसिफाइड परपज के लिए यूज किए जाए ते हैं सो दिस कंप्यूटर्स इज द वन दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क जो कंप्यूटर्स कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं बेसिकली वो स्पेशल परपज कंप्यूटर्स कहलाते हैं द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स टू कैरी आउट टास्क आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन फॉर द स्पेसिफिक टास्क दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर बट सच कंप्यूटर्स आर नॉट वर्सिटाइल अब ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर्स ठीक है तो ये कंप्यूटर्स में आप लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करवा सकते हो इंस्ट्रक्शन दे सकते हो वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस भी करते हैं बट ये कंप्यूटर्स एफिशियंटली वर्क करते हैं लेकिन वर्सिटाइल नहीं होते हैं जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिख रहे हैं ये सभी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं और यदि हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे सुपर कंप्यूटर्स सर्वर्स एम्बेडेड सिस्टम्स एटीएम्स मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस ट्रैफिक लाइट्स रोबोटिक्स ये सभी एक स्पेशल कंप्यू परपज कंप्यूटर्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं उसी के लिए डिजाइन किए जाते हैं जैसे सुपर कंप्यूटर सर्वर्स की बात कर लें तो ये सर्वर साइड पर जो भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती है उनको फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं साइंटिस्ट जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं राइट परम वगैरह कंप्यूटर्स के नाम आपने सुने होंगे जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए उनके पर्पज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं जिसपे हम जनरली वर्क नहीं कर सकते हैं होप आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए जिससे आपको यह अंदाजा लग गया कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम अब क्या होते हैं ए जो मशीन आपने देखी होंगी है ना ऑटोमेटिक ट्रेलिंग मशीन जिसके थ्रू आप मनी को विद्रॉल कर सकते हो राइट right? सो so, उसका भी एक स्पेसिफिक मोटिव है कि आप सिर्फ उसमें से मनी को विडड्रॉल कर सकते हो मनी डिपॉजिट कर सकते हो पासबुक प्रिंट करवा सकते हो उसके अलावा आप उसमें और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो तो एक स्पेसिफिक टास्क उसको असाइन किया गया है सो so, ये बेसिकली जितने भी मशीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स में डिफाइन किए गए हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं उनके एक्साम्पल्स भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए गए जैसे रोबोटिक्स की बात कर लें तो रोबोट्स में भी आप वही इंस्ट्रक्शन

रेगुलर लाइफ में कंप्यूटर्स लैपटॉप मोबाइल फोन जैसे डिवाइसेस का यूज कर रहे हो अलग अलग वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए अब हर एक यूजर इन सिस्टम्स का यूज करता है अपने अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको कोई फॉर्म फिल करना हो किसी कॉलेज का तो आप कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो है ना या फिर आपको कोई म्यूजिक सुनना है आपको कोई गेम खेलना है किसी को कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है किसी को स्लाइड बनाना है किसी को प्रिंटिंग निकलवाना है राइट ऐसे अलग अलग पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर का यूज करते हैं जो जनरली अवेलेबल होते हैं हर किसी के लिए तो ये तो

एनालॉग कंप्यूटर्स यहाँ पे जिस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कंप्यूटर्स कहलाते हैं जैसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की यहाँ पे बात हो रही है जो आपने साइंस में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा वोल्टेज करंट टेम्परेचर एक्सेट्रा इस तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क करते हैं वो कंप्यूटर्स आपके एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं

एनालॉग कंप्यूटर ही है ऐसे डिफरेंट डिवाइसेस होंगे आप यदि कुछ ऐसे डिवाइस मिलते होंगे स्मॉल कंप्यूटर फिट होता होगा जो एक्चुअली वोल्टेज करंट एम्फियर पे वर्क करता होगा इन्हें प्रोसेस करता होगा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं जैसे आपको बता रही हूं एनॉलॉग कंप्यूटर के स्लाइड रूल टाइप प्रिडिक्टर ऑटो पायलट हार्ड पेस मेकर राइट तो ये सब डिवाइसेस क्या कहला रहे हैं ये सभी डिवाइसेस आपके एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं वही अब बात कर ले यहां पर हम यदि ऑपरेशन वाइज तो सेकंड टाइप का कंप्यूटर होता है दैट इज डिजिटल कंप्यूटर्स तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी यदि एनालॉग कंप्यूटर्स की हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से है ना इस तरीके से कर्वी वेव्स में हम इसका ग्राफ बता सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये एक एनालॉग सिग्नल्स को बताता है कि जो भी आपका वोल्टेज करंट एम्पियर है वो इस तरीके से में फ्लो करता है तो ये एनालॉग सिग्नल्स को बताता है कि एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा मूव होता है इनपुट देते हो आप वो प्रोसेस होता है लेकिन जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं किसकी डिजिटल कंप्यूटर्स की तो डिजिटल कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं जैसे हम जनरल पर्पज कंप्यूटर्स का यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही अब इन डिजिटल कंप्यूटर्स में खासियत ये होती है कि यहाँ पे आप जो इनपुट करोगे वो वोल्टेज करंट या एम्पियर के फॉर्मेट में नहीं होगा बल्कि यहां जो भी आप

होती है आई बात समझ में अच्छे से सो so, ये दोनों के ग्राफ्स है जो मैंने यहां पे आपको कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं सो so, क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स दिज कंप्यूटर टाइप्स वर्क विद दिसकॉन्टिन्यूस डेटा

सेकंड्स में नैनो सेकंड्स में काम करता है सो डिजिटल कंप्यूटर्स आर मच फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर्स यदि बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की तो वो बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं एज़ कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स एक्यूरेट भी होते हैं आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट रिटर्न करते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स सो यहाँ पे हमने तीन से चार डिफरेंसेस को देख लिया है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स में ये डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे सो so, आपको ये ध्यान रखना है राइट right? अब इसके एग्जाम्पल्स की यदि बात कर लें सो डिजिटल कंप्यूटर्स आजकल हर एक फील्ड में यूज किए जा रहे हैं कंप्यूटर्स यूज फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन आर डिजिटल कंप्यूटर्स स्पेसिफिकली बिजनेस फील्ड में और साइंटिफिक एप्लीकेशन में आप सबसे ज्यादा

वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे कि कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर का टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि आज इस वीडियो में हम पर्पस और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को देख रहे हैं सो दिस इज कवर्ड इन द नेक्स्ट सब सेक्शन अब यदि हम इन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो so मीन्स कि आप जो पीसीस यूज करते हो अपने कंप्यूटर्स यूज करते हो अपने घरों में लाइक like इस तरीके से डेस्कटॉप लैपटॉप पीसीस वगैरह का स्मार्ट वॉच का है ना कंप्यूटर्स का मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हो सो so, ये बेसिकली क्या कहला रहे हैं ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं इन सभी में स्मॉल सा डिजिटल कंप्यूटर फिट होता है जैसे स्मार्ट वॉच आपने देखा आजकल आजकल स्मार्ट डिवाइस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ठीक है जिसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर, कर, कर सकते हो जिससे आप मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो कॉल कर सकते हो वॉइस सुन सकते हो स्मार्ट हेलमेट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है सो so, ये सब क्या डिवाइसेज है किस पर बेस्ड है ये सभी डिफरेंट टाइप के हम बोल सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं सो पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप स्मार्टफोन्स टेबलेट सर्वर्स कैलकुलेट डिजिटल वॉचेस दिस ऑल आर द्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स और इसे हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है राइट थर्ड टाइप इज हाइब्रिड कंप्यूटर सो अब यहाँ पर हम ऑपरेशन वाइज अभी हमने दो कंप्यूटर्स डिस्कस कर लिए एनालॉग एंड डिजिटल नाउ वॉट कंप्यूटर्स क्या होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स बेसिकली देखा जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं अब किन दोनों का एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाते हैं सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ वो डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स डिजिटल और एनालॉग दोनों की जो बेस्ट क्वालिटीज हैं उन दोनों से मिलकर बनाए गए हैं कौन से कंप्यूटर्स

सिफाइड टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही यूज किए जा रहे हैं आपने अभी यहां पर देखा एनोलॉग कंप्यूटर्स को भी हमने डिस्कस किया जिसमें उसके स्पेसिफाइड टास्क थे है ना करंट वोल्टेज एम्पियर के फॉर्मेट में जो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर वर्क कर रहा है जो कॉन्टिन्यूस वैल्यू को ले रहा है फिजिकल क्वॉंटिटी के बेसिस पे काम कर रहा है वो एनालॉग कंप्यूटर है उसके लिमिटेड हमने एग्जांपल्स भी देखे ठीक है स्पेसिफाइड फील्ड में उसका यूज किया जा रहा है वहीं यदि हम हाइब्रिड की बात करें तो यहां भी हम वेदर फोरकास्टिंग और हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देख रहे हो इस तरीके की मशीन वगैरह जो होती है जो बेसिकली दोनों का यूज करके कंबाइंडली आप देख रहे हो तो ये भी कंप्यूटर्स स्पेसिफाइड परपज के लिए ही यूज किए जा रहे हैं है ना जैसे पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना

ठीक है सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के यदि की बात कर लें तो फ्यूल वेंडिंग मशीन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियल रोबोट्स मिसाइल गाइडेंस सिस्टम सिस्टम स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल ये जितने भी सिस्टम्स के नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर्स का ही यूज करके डिजाइन किए गए मतलब कि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का यूज किया गया है दोनों की बेस्ट क्वालिटीज का यूज किया गया है इन सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए सो so, कितने टाइप के कंप्यूटर्स बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हुए हैं उसको एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे इस चार्ट के थ्रू आपको ये बहुत ईजिली याद रहेगा और आप इसे भूलोगे भी नहीं राइट सो so, यदि हम देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को So, कितने टाइप के कंप्यूटर आज हमने डिस्कस किए हैं पर्पस वाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज ठीक है तो पर्पस वाइज देखा जाए तो भाई दो पर्पस से हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं कौन से दो पर्पस पर्पस है वो पहला तो हो गया स्पेशल और दूसरा हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर जो किसी स्पेसिफाइड टास्क के लिए यूज किए जाते हैं वो स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं और जो जनरल हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप यूज कर सकते हो वो जनरल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं उसी के साथ ऑपरेशन वाइज यदि देखें तो इसमें हमने तीन टाइप के कंप्यूटर डिस्कस कर लिया एनल डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर रिटर्न नहीं करते हैं डिजिटल की बात करें तो एनलॉक के होते हैं मोर एक्ट रिजल्ट रिटर्न करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में जीरो के फॉर्मेट में ये प्रोसेस करते हैं डेटा को ठीक है जो भी आप इन करते हो की बात करें तो इन दोनों की बेस्ट क्वालिटीज को यूज़ करके एक टाइप बनाया गया है जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर का टाइप होता है और इन सभी so, डाउट नहीं होगा सो मैग्नेट ब्रेन आपको हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो

In the next video, my students, till then, stay yours stay happy. Thank you so much.